नमस्कार, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो सरकारी कर्मचारी है उनकी सैलरी कब आएगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, डिटेल से आपको बताएंगे। अगर आपके घर में रिश्तेदार, भाई बंद, सगा संबंधी कोई भी सरकारी कर्मचारी है तो उनको उनके पास इस वीडियो का लिंक जरूर भेजिएगा, महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि जो सरकारी कर्मचारी जो परमानेंट है उनके लिए भी ये नोटिफिकेशन है, जो अनुबंध के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड डीसी रेट पर लगे हुए उनके लिए भी ये नोटिफिकेशन है। ऑप्शन नोटिफिकेशन हमें प्राप्त हुआ है, उसी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले बताएं, 7 अप्रैल 2020 को जितने भी कर्मचारी ग्रुप डी से ताल्लुक रखते हैं, चाहे अनुबंध के आधार पर हो, रेगुलर हो, किसी भी प्रकार से हो, यानी ग्रुप डी में जो लगे हुए कर्मचारी, उनकी तनख्वाह आएगी 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को तनख्वाह आ जाएगी ग्रुप डी वालों की। फिर है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल ग्रुप सी। ग्रुप सी में वे जैसे टीचर शामिल हैं, अध्यापक प्राइमरी हो या बीएड से संबंधित, टीजीटी पीजीटी संबंधित हो, यानी ग्रुप सी से संबंधित जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो या फिर हिंदी में अनुबंध के आधार पर हो, डीसी रेट जिसे कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं कि परमानेंट हो, उनकी सैलरी आ जाएगी 10 तारीख को। उसके बाद है 13/4/2020 को। 13/4/2020 को सोशल सिक्योरिटी पेंशन जिनकी बनी हुई है, सोशल सिक्योरिटी पेंशन उनकी जो है 13 अप्रैल को उनके अकाउंट में आ जाएगी। 16/4/2020 यानी 16 अप्रैल को पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो पेंशन पर हैं, उनकी सैलरी आएगी 16/4 को। और ग्रुप ए और ग्रुप बी, ग्रुप ए और बी जिसमें ए में शामिल है एचसीएस अधिकारी हो या फिर अन्य हो, और बी में जैसे जेई वगैरह है इसमें ही शामिल होते हैं, तहसीलदार, जेई इत्यादि, उनकी तनख्वाह आएगी 20 अप्रैल को। आपको क्रम वाइज आपको हमने बता दिया, 7 अप्रैल को तनख्वाह आएगी ग्रुप डी वालों की, 4 अप्रैल को ग्रुप सी वालों की, 13/4 को जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन बनी हुई है उनकी आएगी, 16/4 को पेंशन जो है, पेंशन पर आ चुके हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी 16/4 को आएगी, 20/4 को ग्रुप ए और बी वालों की आएगी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किस प्रकार सरकार ने कुछ कर्मचारियों के लिए राहत दी है, क्योंकि सैलरी से संबंधित बड़ी दिक्कतें आ रही थी। ये प्रक्रिया परमानेंट और डीसी रेट या अनुबंध के आधार पर जिसे कहा जाता है उनसे संबंधित हमने आपको बताई है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।